गए सुनीता किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंघाड़े का खट्टा मीठा अचार। तो प्लीज़ आप इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। तो मैंने सिंघाड़े लिए हैं 25, और मैंने नींबू लिए हैं 6, उसका मैंने जूस निकाल लिया है, विनेगर लिया है मैंने, हींग लिया है मैंने, शक्कर लिया है 2 चम्मच, नमक लिया है काला नमक, सफ़ेद नमक, सेंधा नमक, काली मिर्च, हल्दी, मिर्ची और अजवाइन, जीरा, सौंफ, लाल मिर्च, तो ये सभी चीज़ें मैं अचार में मिलाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं सिंघाड़े का अचार। तो गाइस हम सबसे पहले बॉयल लेंगे, और बॉयल में हम फिर एक ये सिंघाड़े को डाल देंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच कलौंजी भुनी डाल देंगे, 1 चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे। ये हमने जीरा, राई और सौंफ को अच्छी तरह से वो, इसमें हम काला नमक 1 चम्मच डाल देंगे, 1 चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे, 1 चम्मच हम सफ़ेद नमक डाल देंगे, आधी चम्मच लाल मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, 1 पिंच हींग डाल देंगे, 1 चम्मच हम इसमें शक्कर डाल देंगे, चम्मच हल्दी डाल देंगे। हल्दी को हमने भून लिया है, भून करके डालना है ताकि कच्चापन खत्म हो जाए। 6 नींबुओं का रस ले लिया है। अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, देख सकते हैं अचार बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। 2 चम्मच इसमें हम विनेगर डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इससे 2 महीने तक हमारा अचार बढ़िया सुरक्षित रहेगा। तो लीजिए गाइस, बनकर तैयार है सिंघाड़े का बहुत ही लाजवाब टेस्टी अचार, खट्टा मीठा चटपटा अचार। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अच्छी अच्छी रेसिपी आप तक पहुँचाती रहूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।